मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों का फेवरेट नमकीन पूरी, जो कि बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। नमकीन पूरी आटे से ही बनता है तो हेल्दी रहता है। आप चाहे तो मैदा और आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर मैं अपने बेबी के लिए बना रही हूँ तो मैं आटे का बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है गेहूँ का आटा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और कलौंजी। कलौंजी को बहुत जगह मंगरेला भी बोलते हैं। और मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें मोयन डालूंगी, वो होगा रिफाइन ऑयल, जो कि मैं इसमें डालूंगी और उसे अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स करूंगी। मोयन के लिए जो मैं तेल ले रही हूँ वो 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ। मैं अपने आटे के अनुसार ही इसमें डाल रही हूँ। आटा को हमने अच्छे से मसल लिया है। अभी देखिए मुट्ठी में जब हम उठा रहे हैं तो ये बनने लगा है, यानी कि आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और मैं अब यहाँ पे पानी की सहायता से आटा लगा लूँगी। और हमें आटा थोड़ा टाइट ही लगाना है, मतलब कि जो हम रोटी बनाते हैं रोटी के जो आटा होता है उसके से थोड़ा सा टाइट रखेंगे, जिससे कि हमारी पूरी जो होगी वो क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए आटा लग गया है, इतना टाइट रखना है हमें। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल जो है, रिफाइन ऑयल जो है, उसे हम लगा देंगे और इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे हो चुके हैं और देखिए आटा कितना अच्छा सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसे हाथों से मसल लेंगे और अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और पूरी बेल लेंगे। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें तेल डाल दिया है तलने के लिए। गर्म हो चुका है और अब हम एक एक करके पूड़ियों को तल लेंगे। तो देखिए पूड़ियाँ तल गई हैं, आप खाने के लिए तैयार है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसे आप खीर या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।